हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम साइंस पेडागॉजी के रिपीटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इस फिगर में आप समझ ही रहे होंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ओजोन है, मेथेन है, ये सभी क्या है, ये आपकी ग्रीन हाउस गैसेज होती है जो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को इंक्रीज करती है। ये प्रोसेस क्या है, ये सभी इस इमेज में मैंशन किया गया है। तो यहाँ से कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, यानी कौन सा नहीं होगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ओजोन परत की कमी को नियंत्रित करने के लिए 1987 में एक ट्रीटी साइन की गई थी। तो इस ट्रीटी को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सेकेंड ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये 1987 में साइन की गई थी, किसके लिए, ओजोन लेयर को कंजर्व करने के लिए, कि जो ओजोन लेयर से को नुकसान हो रहा है, जो क्षय हो रहा है, उससे बचाने के लिए ये ट्रीटी साइन की गई थी। यहाँ आप देख भी सकते हैं इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पोचमपल्ली किसका नाम है, यानी जो पोचमपल्ली हम सुनते हैं एनसीईआरटी में, बहुत ज्यादा फेमस भी है, तो ये क्या है, बेसिकली किसके बारे में कहा गया है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी जो पोचमपल्ली है वो एक प्रकार की क्या होती है, साड़ी होती है, जो रंगाई के पारंपरिक ज्यामिति पैटर्न वाली साड़ियां होती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये है पोचमपल्ली साड़ी। और पोचमपल्ली तेलंगाना के नलगोंडा जिले का एक कस्बा है और इसमें अक्सर उत्कृष्ट साड़ियों के लिए भारत के सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिल्क सिटी क्या है, तब भी आपको यही बताना है कि पोचमपल्ली को सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। और यहाँ जो शैली यूज की जाती है उसका नाम है इकत। इकत नामक एक अनूठी शैली के माध्यम से बुना जाता है। और एक नई इन्फॉर्मेशन भी निकल के आई थी कि जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है उसने पोचमपल्ली को एक बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में भी घोषित कर दिया है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आप स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वाराणसी की कढ़ाई की अनूठी कला को क्या कहा जाता है, यानी वाराणसी में जो कढ़ाई की कला यूज की जाती है साड़ियों को बनाने में, डिफरेंट टाइप्स की पॉट्स को बनाने में, यानी कि जो बर्तन है, तो उनमें कौन सी कला का यूज किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जरदोजी। जरी का नाम आपने सुना होगा, जरी को ही कहते हैं जरदोजी। इस शब्द का प्रयोग चांदी और सोने की धातु की कढ़ाई के लिए किया जाता है। जरी जरदोजी के नाम से जाने वाली कढ़ाई तकनीकों को 12वीं शताब्दी में मध्य एशिया से भारत में लाया गया था और वाराणसी वह स्थान है जहाँ प्राचीन बुनाई परंपराओं को सबसे अच्छी तरह संरक्षित किया जाता है और वाराणसी के ब्रोकेट और जरी वर्क बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इस वजह से यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जरदोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी पेडागॉजी से रिलेटेड है। क्वेश्चन पूछा गया है कि ईवीएस में नैदानिक परीक्षण एक शिक्षक की मदद करेंगे, यानी जो डायग्नोस्टिक टेस्ट लिया जाता है टीचर के द्वारा, वो ईवीएस में टीचर को कैसे हेल्प करेगा, ये आपसे पूछा गया है। पहला जो दिया गया है, नो द इंटेलिजेंट क्वोशेंट ऑफ लर्नर्स, यानी शिक्षार्थियों के बुद्धिमत्ता भागफल को जानने के लिए ये सही नहीं है, क्योंकि डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम अराइज हो रही है। सेकेंड यही कह रहा है, असेस द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय लर्नर्स ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस, बी तो सही हो जाएगा। असेस द पेस ऑफ लर्निंग ऑफ स्टूडेंट, यानी छात्रों के सीखने की गति का आकलन करना, ये भी हम नहीं करते हैं, यानी सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। हम सीखने की गति का आकलन नहीं कर रहे हैं, हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फोर्थ दिया गया है कि नो हाउ विल लर्नर इज लाइकली टू डू इन ईवीएस, अगर हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लें तो हम ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चा किस लेवल तक अच्छा कर सकता है, यानी वो किसी भी काम को कितनी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी थर्ड में दिया गया है, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है फॉर्मेटिव असेसमेंट इन ईवीएस एट प्राइमरी स्टेज इंक्लूड्स, यानी जो फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान बच्चे का इवैल्यूएशन किया जाता है, यानी असेसमेंट किया जाता है, तो उसे कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। अगर टीचिंग लर्निंग के बाद की बात करें तो हो जाएगा समेटिव। पहला दिया गया है गिविंग फीडबैक टू टीचर्स रिगार्डिंग इफेक्टिवनेस ऑफ देयर टीचिंग, ये तो सही हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट में यही तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। अगर बच्चे अच्छे से सीख रहे हैं इसका मतलब टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफिशियंसीज इन टीचिंग, ये भी सही हो जाएगा कि शिक्षण में कमियों की पहचान करना।
प्रिपरेशन ऑफ मंथली रिपोर्ट्स कार्ड, ये समिटिव असेसमेंट का पार्ट है ना कि फॉर्मेटिव का, थर्ड गलत हो जाएगा। फोर्थ कह रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग गैप्स ऑफ स्टूडेंट, डी बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी ए बी और डी सही हो जाएगा जो कि सेकंड में दिया गया है और सेकंड आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर रोहन ऑर्गेनाइज द रोल पे ऑन द टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यानी कि मिस्टर रोहन एक टीचर हैं, उन्होंने एक रोल पे ऑर्गेनाइज किया है जिसका टॉपिक है वाटर को कंजर्व करना यानी जल को संरक्षण करना। पूछ रहा है कि जो रोहन ने ये क्लासरूम में एक्टिविटी की है यानी करवाई है, ऑर्गेनाइज करवाई है, उसका उद्देश्य क्या है, ये आपसे पूछा गया है। पहला दिया गया है ही वांटेड टू सेंसिटाइज स्टूडेंट्स ऑन द नीड ऑफ कंजर्विंग वाटर फॉर फ्यूचर जनरेशन, ये भी सही है। ही वांटेड टू सेंसिटाइज स्टूडेंट अबाउट लैक ऑफ अवेयरनेस इन द सिस्टम रिगार्डिंग कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यानी बच्चे को वो ये बताना चाहता है कि हमारे सिस्टम में कितनी ज्यादा कमियां हैं जिसकी वजह से वाटर कंजर्व नहीं हो पा रहा, ये तो सही नहीं होगा, यानी सेकंड तो गलत है आपका। थर्ड कह रहा है ही वांटेड टू रेज कॉन्फिडेंस लेवल इन स्टूडेंट्स थ्रू रोल प्ले, सही है, हो सकता है। ही वांटेड टू लर्न अबाउट स्टूडेंट्स व्यूज ऑन द वाटर कंजर्वेशन टू गाइड देम करेक्टली, ये भी सही है। तीन ऑप्शन तो सही है लेकिन हमको क्या सिलेक्ट करना है, हमको सबसे बेस्ट वाला सिलेक्ट करना है, तो सबसे बेस्ट वाला हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि हमसे हमें क्या करना है, सेंसिटाइज करना है, बच्चे को सेंसिटिव बनाना है, संवेदनशील बनाना है, किसके प्रति, कि वाटर को कंजर्व करें, हमें वाटर की कितनी ज्यादा जरूरत है कंजर्व करने की ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है वो वाटर का इस्तेमाल कर पाए, यूज कर पाए, इस वजह से यहाँ फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जब ईवीएस का करिकुलम फ्रेम किया जाता है तो किसके साथ फ्रेम किया जाता है, तो इस टाइम की एनसीईआरटी या एनसीएफ जो भी हैं, जितने भी आपके रूल्स रेगुलेशन आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसी बात पे फोकस किया जा रहा है कि एजुकेशन में कंस्ट्रक्टिविज्म को इन्वॉल्व किया जाए, यानी रचनावाद लाया जाए, और रचनावाद के साथ साथ समाज को भी इन्वॉल्व किया जाए क्योंकि बच्चा सबसे ज्यादा अपने समाज से सीखता है, यानी यहाँ फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग, सीखने का सामाजिक रचनात्मक परिपेक्ष, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड बाय द टीचर व्हाइल ट्रांजिटिंग द ईवीएस थीम्स इन द क्लास, यानी क्लास में वो ईवीएस थीम को पढ़ा रहे हैं तो इनमें से क्या टीचर को अवॉइड करना चाहिए, किससे बचना चाहिए, ये पूछ रहा है। पहला कह रहा है डिस्करेजिंग स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन, यानी बच्चे को डिस्करेज करना कि क्वेश्चन ना पूछें, ऐसा तो नहीं होता ना, बच्चे को इनकरेज किया जाता है, बच्चे को हेल्प की जाती है, सपोर्ट किया जाता है ताकि वो क्वेश्चन को पूछें, उनके अंदर का जो डर है वो खत्म हो सके, उनकी जो क्यूरियोसिटी है वो और अधिक जनरेट हो सके, डाइवर्जेंट थिंकिंग डेवलप हो सके, इस वजह से फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ निगेटिव पूछा है, शुड बी अवॉइडेड, किससे बचना चाहिए, तो बच्चे को डिस्करेज करने से बचना चाहिए कि बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप डांटिए नहीं, उसको इनकरेज कीजिए, तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि योग दिवस समारोह के कारण एक ईवीएस शिक्षक ने 5th ग्रेड के छात्रों को दुनिया की योग राजधानी की यात्रा पर ले जाने का फैसला किया, यहाँ सिंपल से क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन ये है कि दुनिया की योग राजधानी के योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है, यानी दुनिया की योग राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है, ऑप्शन आपके सामने और आपको बताना है इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा, यानी कि इसका ऋषिकेश थर्ड ऑप्शन जो है एकदम सही हो जाएगा, ऋषिकेश को क्या कहा जाता है, योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, यानी यहाँ आपका थर्ड स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने टॉप 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, ये पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना है डाउनलोड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, लिंक से ज्वाइन कीजिए ग्रुप को, ग्रुप में आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे फ्री में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, क्वेश्चन रीड कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं, और एग्जाम की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, लाइटली होकर एकदम फ्रेश माइंड से रिलैक्स मोड में पढ़ाई करनी है, आराम से आपका एग्जाम निकल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।